मॉर्निंग फ्रेश, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल थिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को आसू भाई की बाइक पल्सर 150 में जो 2013 मॉडल है उसमें मैं आपको स्प्लिट सीट इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। उसका पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरी लास्ट वीडियो देखने के बाद आसू भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए, तो आज मैं आप लोगों को स्प्लिट सीट इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करते, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये है अपनी बाइक पल्सर 150 2013 मॉडल है ना भाई? यस 2013 मॉडल है, और ये भाई ने अपनी इस बाइक को स्प्लिट सीट का लुक दिया है, और आज ये मेरे पास आए स्प्लिट सीट अपनी खुद से अपने स्प्लिट सीट लेकर के आए हैं। ये रहे वो अपने स्प्लिट सीट्स, देख सकते हो ये आसू भाई खुद खरीद के लाए हैं। कहाँ से लाए हुए आसू भाई? गोकुलपुरी से। तो आज हम इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके इंस्टॉलेशन में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये वाला लॉक सेट, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये एंगल, ये हमने बनवाया हुआ है इसको, इसमें ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ मोल्ड बेल्ट इसको बैंड किया है और यहाँ पे बैंड किया है, और ये देखिए इसमें तीन हॉल है, दो नट के लिए और बीच में एक लॉक का, ये नट का अपनी इस सीट का ये जो लॉक है ये देखिए इस लॉक के लिए। ओके, ये जब उसके अंदर पुश होगा इस तरीके से, इस तरीके से ये पुश हो जाएगा। अभी ये सही से मैंने किया नहीं है, लेकिन जब हम इसको बेल्ट कर लेंगे तब ये सही से दिखाई देगा। ओके, तो चलिए बाकी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अब वेल्डिंग मास्टर के पास में अपने इस लॉक को वेल्ड कराने। ओके, देख सकते हैं दोस्तों ये अपनी वही बाइक है जिसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल किया था। ओके, देख सकते हैं, और इसमें ही मैंने 220 का साइलेंसर भी इंस्टॉल किया था। ये देख सकते हैं आप लोग, ये डिस्क ब्रेक इंस्टॉल किया हुआ है, और ये पल्सर 150 है, 2013 मॉडल है। ओके, इसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया था, और दूसरी चीज़ आज हम इसमें स्प्लिट सीट इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने वेल्डर भाई साहब के पास, और अब हम इसमें वेल्डिंग का काम करवाएंगे। ओके, बीच वाला वो सही है ना? हाँ, बीच वाला यही है ना, मैं कहना मतलब ये जो ये है ना, ये हॉल जो है ये थोड़े थोड़े हल्का सा इधर चौड़ा कर दो, उसको हल्का इधर उधर कर दो, थोड़ा सा। हाँ बस बीच वाले को रहने दो। हाँ, बीच वाले को रहने दो। दोस्तों देख सकते हो मैंने ये चेचिस पे निशान भी लगा दिए हैं, अब यहीं पे हम वो अपनी पत्ती वेल्ड करेंगे। ओके, पहले इस साइड कर लेना आप वेल्ड, क्योंकि इस साइड में ये तार वगैरह कुछ भी है नहीं ना, तो जलेगा नहीं कुछ। चेक कर लीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ लगभग हो गई। दोस्तों देख सकते हो ये हमारी पिछली सीट है, अब इसके अंदर का आप जो गैप देख रहे हैं इसी गैप को फिल करने के लिए हम एक जुगाड़ करने वाले हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। उठाना आसू भाई, ये सीट उठाना, सीट उठा लो, उठ जाएगी। हाँ बस ठीक, ले आओ भाई साहब। हाँ 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 ठीक, ये निशान भी लगे हुए हैं इस पर। हाँ ऐसे, ठीक है ना आसू भाई, जब कभी हटाना हुआ आपको तो अपने हटा लिया। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये हमने ये बेल्ट करवाया है, और इसमें ये तीन हॉल करवाए हैं, ये बीच वाला है लॉक के लिए, सीट की लॉक का जो नोक होता है वो अंदर चले जाएगा इसके अंदर, और इन दोनों पे हम लॉक को, लॉक के पेंच को, नट को टाइट कर लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये अपनी रेयर सीट के बैलेंस को बनाने के लिए है, क्योंकि हमने इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करी हुई है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके,
ये एक एक इंची के लगभग एक इंची ऊंचाई के गुटके हैं, ओके, क्योंकि हाइट इंक्रीज करने की वजह से ये टेल हमने जब उठाई थी उसकी वजह से यहाँ ये गैप आ जाता है, तो इसलिए भी लगाना पड़ा। और वैसे भी अगर आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें हाफ इंची के आपको ये लगाने ही पड़ेंगे, ओके, इस तरह से कुछ भी आप नट लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, लगाना ही पड़ेगा, ओके। तो चलिए अब इस पर हम अपना लॉक सेट कस लेते हैं, ओके। ऑलरेडी कसा हुआ था क्योंकि हमें बेल्ट करना था तो इसे हमें खोलना पड़ा, ओके। तो अब चलिए इस पर कस लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये है वो लॉक अपना, ओके, इसको अभी हम लगाएंगे। एक बार यहाँ दिखा दो, ये देखो दोस्तों सेम चीज़ है, इसी तरीके से ये भी है, इसी तरीके से ये भी है, ओके। दोस्तों देख सकते हो ये हमने लॉक लगा लिया है और इसके ये नट बोल्ट को टाइट भी कर दिया, अभी बिल्कुल अपनी सही जगह पर सेट है। और ये है इसकी वायर जो घूम करके इस तरीके से, ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये है पीछे वाले लॉक की, इस वाले लॉक की ये ऊपर में है और आगे वाले की नीचे में है। ये नीचे मैं आपको दिखा देख सकें, ये देख सकते हो दोस्तों ये रहा नीचे का, ये सेट कर दिया है बस किसी तरीके से, ओके। नीचे जगह दे रखी होती है इन्होंने, तो इसमें एक मैंने यहाँ अंदर से एक नट लगा रखा है, एक 13 नंबर का इस पर नट लगा दिया, धीरे धीरे टाइट करते करते मैंने ऊपर चढ़ा दिया और इस जगह से मैंने बाहर निकाल दिया, ओके। ये देख सकते हो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये अब कहीं नहीं जाएगा और ये भी अपना बिल्कुल सेट हो गया। इसका तो यूज़ मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। सीट में भी थोड़ा सा हमें जुगाड़ करना पड़ा, ये रबड़ हमने चिपकाई है देखो एल्फी की हेल्प से और क्या बोलते हैं उसको बेकिंग सोडा की हेल्प से, ओके। अब इसको हम सेट करके देख लेते हैं, पुश करो भाई, ओके। अब बैठ के सीट देख सकते हो दोस्तों, ओके। और अपनी रेयर सीट में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसमें भी हमने ये रबड़ ऐड किया हुआ है, देख सकते हो वो सीधे जा करके इन पॉइंट्स पे जाके बैठेगा, ओके। ये आया लुक दोस्तों अपनी बाइक का। अब इसका साइड पैनल भी लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं हम आपको, ओके। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।